हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूं दोस्तों। तो दिन है शनिवार का और सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं। 3 अगस्त की ये वीडियो है हमारी और जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दो दिन से हमारी वीडियो नहीं जा पा रही थी आप सबके पास, तो आज ये वीडियो पहुँच रही है और हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये देखिएगा, ताज़ी ताज़ी सब्जियां खरीद रहे हैं। तो अभी सब्जियां पहले हम लेंगे, तो सब्जियों में इनके पास जो था ये देखिएगा, भिंडी थी, साथ में तोरई की भी सब्ज़ी इन्होंने रखी थी, पर इनके पास तोरई जो है ना बिक गई थी, थोड़े ही बहुत थे, ज़्यादा तो थी नहीं तोरई की। और ज़्यादा जो थी वो थी यहाँ पर मकई, ये देखिएगा एक पूरे भर भर के थैले इन्होंने मकई के रखे थे। और इसके सबसे नीचे थैले में 2000 पीस तोरई की थी, अच्छी नहीं थी इसलिए तोरई नहीं लेंगे। और भिंडी जो है हमारे मार्केट से जो आई थी नज़दीक के मार्केट से, तो वो पहले से ही फ्रिज में पड़ी हुई है, तो भिंडी भी नहीं लेंगे। और लेने वाले हैं आज हम मकई, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अब बहुत दिन से सोच ही रहे थे कि मकई बाज़ार से ले कर आएँगे, पर आज मिल ही गई इनको। मैंने सब्जी वाले भैया को आज रोक लिए थे। और मकई पूरे अभी यहाँ पे मैं 2 किलो तौल कर आ रही हूँ। तो बच्चों को बेहद पसंद है मकई, तो यहाँ पे तौल में अभी 2 केजी रखे हैं। इच्छा तो हो रही थी और ज़्यादा लें, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं घर में सभी, तब तो या फिर तो उससे ज़्यादा भी ले लेंगे। साथ में सब्जी वाले भैया जो है ना केले भी लेके आए थे, केले में जो थे ना बहुत छोटे साइज़ के और कच्चे केले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ही छोटे थे। उसकी ना सब्जियाँ बनती, ना भुजिया में बनती, सूखी वाली भी सब्ज़ी नहीं हमारी तैयार होती और ना ही गीली वाली रसीली सब्ज़ी बन पाती, इसीलिए हम उसको नहीं लिए। वैसे बहुत छोटी थी, इन्होंने बताया क्या वो पेड़ गिर जाने से बहुत छोटे साइज़ में ही इनको मैं बिक्री कर रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया है उसे। और बाद में फिर देखिए मैंने 2 केजी और मकई को तुला लिया था, तो यहाँ पे थोड़े से जो 2 केजी पहले मैंने लिए थे उसको घर भेज दिए थे, बाद में फिर मैं सूप को लेके आई। चलो 2 केजी इसमें फिर से रख लेते हैं, तो यहाँ पे ये रख लिया था। तो दोस्तों पूरे 4 केजी यहाँ मकई मैंने तुलवा लिए थे, तौल में अच्छी खासी मकई चढ़ी थी। और जब मैंने इसके दाने को छीलकर पहले ही देखा था तो अच्छे दाने थे और बहुत खिच्चे से थे, मतलब ज़्यादा जो है ना हार्ड वाला नहीं लिया था, खिच्चे खिच्चे ही लिए थे ताकि ये अच्छे से पकाने में आसानी भी आएगी और सब बच्चे आसानी से खा भी सकेंगे। और यहाँ हमारा बउआ देखिए चल रहा है, हमारा लल्ला कुछ इसी तरीके से अभी 1-2 डेग में चल लेता है। और इसे ये मकई लेना है, ये देखिए, तो इन्होंने तो मकई ले लिया है। और हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काम की हो गई है सुबह से शुरुआत। ये देखिए सबसे पहला काम यही किए हैं कि सारे मकई को छीलकर हम अलग कर लेंगे, क्योंकि शाम में फिर टाइम नहीं मिल पाता है, मकई को हम फिर पकाया भी जाएगा तो छीलने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए इस काम को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी बाकी के काम और भी शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों क्या ही बताएं, आज सबसे बड़े मुसीबत में हम फंसने जा रहे थे, आज बाल बाल बच गए हैं तो कहिए। और ये देखिए ये जो सामने से आप चिकनी कजली देख रहे हो ना, इसको काई जो बोलते हैं, ये कजली कलर की काई होती है, हरी हरी, मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, पूरे आंगन में फैले हुए हैं। ये देखिएगा 2-3 दिन से जो बारिश लगातार हो रही थी, इस तरह से हर जगह ये हो गया है। तो हमारी आज तो पैर बस जाते जाते ही बची है, बहुत जोर की फिसली हूँ पर बच गई आज मैं। और मैं सबसे पहला काम यही कर रही हूँ, ये देखिएगा इसकी घिसाई कर लेंगे। और घिसाई के साथ जो जगह जगह पानी जमा था मैं हम उसको भी यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि आज पानी छूट गई थी और बच्चों की भी आज हो गई थी छुट्टी। लेकिन देखिए आज बारिश भी छूट गई है और बच्चों की स्कूल की हो गई छुट्टी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना, अचानक से स्कूल वालों ने मैसेज कर दिया कि आज बच्चों की रहेगी छुट्टी। और
ये तो हमारा काम निपट गया, ये एक एक्स्ट्रा ही काम लग गया था, लेकिन बच्चे गिर ना जाएं इसके कारण मैंने ज़रा भी देर नहीं किया, इसकी सबसे पहले मैंने घिसाई की। और आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिएगा, सहजन के पत्तियों की, जिसको हमारे साइड दाल की साग बोलते हैं। दाल की साग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है, दाल के साथ मिक्स करके इसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे हम पत्तियों को तोड़ेंगे, तो डाली काफ़ी जो नीचे नीचे वाली है बस इसे हम पहले तोड़ लेंगे। और दोस्तों देखिए, खाना बनाना तो ज़्यादा समय की चीज़ नहीं होती है, खाना बनना बहुत ही आसान है। या तो आप चूल्हे पे बनाइए या गैस पे बनाइए, ये दोनों ही चीज़ में हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। खाना बनाने से पहले जो हमारी तैयारी होती है ना, वो आप अगर प्रॉपर करके रखते हो तो मुश्किल से मतलब कहिए तो 40 से 50 मिनट में सारा खाना बन के हमारा तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो खाने की मैं अक्सर तैयारी जो है पहले कर लेती हूँ, और उसके बाद तैयारी रखने के बाद मैं नहा धो लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बच्चे छोटे छोटे हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो जिससे जिस तरीके से काम निकाल पाती हूँ मैं बस करती चली जाती हूँ। और ये हमारी देखिए सहजन की पत्तियाँ बहुत हरी हरी टूट गई थी, और अब मैं जाके नहा पाई हूँ, नहा धोकर हो गए हैं तैयार। दोस्तों तैयार क्या, ये रोज़ का ही हमारा इसी तरीके से है, कोई विशेष रूप से नहीं है। जैसे अदर मैं बहुत सारे ब्लॉग वीडियो देखती हूँ, यूट्यूबर्स को देखती हूँ, कितने ज़्यादा वो रेडी सेडी होके अपने चैनल पे आती हैं, पर मुझसे उतना बिल्कुल नहीं हो पाता। मैं रेगुलर जैसे रहती हूँ मैं आपके साथ वैसे ही आ जाती हूँ अपने चैनल पर। ये मुझे इतने ज़्यादा वैसे समय भी नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है, हमारा भी वक्त आएगा तो तभी मैं ज़रूर करूँगी, आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी, और अभी तो बच्चे हैं बस। तो दोस्तों मेरा कुछ ऐसा ही रहता है, दिन और रात ऐसे ही निकलते हैं। तो अपने लिए क्या है, किसे कहना, किसे बोलना, और कौन सुनने वाला बैठा है, तो अपना बस ऐसा ही है। दिन में जो अपने से जैसे बन पाता है मैं वैसे ही रहती हूँ, वैसे ही करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने बच्चों के काम करती हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा वही काम होता है, उसके बाद मैं किचन के सारे काम करती हूँ। तो जैसे जैसे हमारे काम निकल रहे हैं वैसे वैसे समय भी निकल रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी फटाफट से अब खाना बना लेते हैं। We'll be right back.
तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मसाले वाले बैंगन का भरवा, जो होता है बहुत ही आसान और इजी भी बनाता है, जैसे जिसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। थोड़ी सी हरी मिर्च अदरक लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारी बिटिया रानी आ गई है, थोड़ी नाराज़ है ये, आज हमसे बहुत रोटी हुई है, गुस्से में है, तो वह मैं उसे बहुत पहले मनाई लेकिन ये नहीं मानी है, और यहाँ मैं खाने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने इस बैंगन को इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट करके और इसको अच्छे से उबाल लिए थे। उबाल लेने से क्या होता है, ये अच्छे से पक जाती है और बनने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर थोड़े थोड़े ही मसाले, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया था, और मसाले आप थोड़े से जीरे धनिया और लाल मिर्च काली मिर्च ये चारों का पाउडर ले लीजिए, नमक और हल्दी आप ले लीजिए, एकदम बिल्कुल नाम मात्र की ही मसाले हम इसमें यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये दाल वाली साग के ऊपर, या फिर इसमें जो है आलू की सूखी वाली भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों में से कोई एक ही मैं बनाती हूँ क्योंकि उतना वक्त अभी हमारे पास नहीं है। और अब बनाने जा रही हूँ दाल, तो दाल जितनी भी ज़रूरत है मैंने अपने फैमिली के अनुसार अपने परिवार के मुताबिक ले लिया है, अच्छे से 2 से 3 पानी धोकर। और पानी मैंने, पानी की क्वांटिटी रखी है दाल से, उस जितना मैंने दाल लिया था उसका हम डबल पानी लेंगे। और टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर 2 रखे थे, हरी मिर्च 3 से 4 है, पतले पतले स्लाइस में मैंने इसको कट करके लिए हैं। और अब जाकर हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों मसालों में यहाँ पे मैंने काली मिर्च, जीरा पाउडर और हल्दी है, नमक है और धनिया का पाउडर चुटकी भर रखे थे। और तो तेजपात डालेंगे हम, यहाँ पे खड़े तेजपात डाल रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार आप अपना रखिए। और साथ में ले लेंगे हल्दी। तो सारे मसाले इस तरीके से मिला लीजिए आप। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हींग, हींग इसमें हमें थोड़े से ज़्यादा डालने, जैसे 1/2 इंच आप हींग डालिए, हींग से स्वाद काफ़ी अच्छा आता है और दाल का स्वाद और डबल हो जाता है। और इसमें जो हमारे साइड ये डाला जाता है, ये देखिएगा आम की खटाई, अगर आम की खटाई आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अब हम प्रेशर कुकर को इस तरीके से लगा लेंगे और करीबन हम 4 सीटी लगवाएंगे। ये देखिएगा 4 सीटी जब तक हमारी लगने जाएगी तब तक हम इस तरीके से साग को काट लेंगे। और दोस्तों ये साग हमारी कटने जा रही है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया था इस तरीके से काटने वाली, यहाँ पे चाकू से भी, ज़्यादातर तो मैं चाकू से कट करती हूँ लेकिन ये साग जो है ना इस तरीके से हाथों से भी काटा जाता है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया है। तो साग को पहले मैंने नहीं धोया था, इसको काट लेंगे उसके बाद ही धोएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा, तो बहुत ही बारीक रूप से काटना पड़ता है क्योंकि पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती, हाथ भी संभाल कर हमें काटना होता, नहीं तो अक्सर साग काटने में हमारी हाथ कट ही जाती है। तो मैं खुद संभली हुई हूँ दोस्तों, आप भी संभल कर काटिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे दाल जब तक हमारी सीटी लगेगी फिर हम साग में लगाएंगे तड़का, और 2 से 3 पानी को साग को आपको धो लेना है कट करने के बाद। तड़का लगाने के लिए तेल ले लिया था सरसों का, इसमें हम राई या फिर आप जीरा, खड़ा जीरा यूज़ कर सकते हैं 1/2 चम्मच। और यहाँ पे लहसुन और मिर्च का मैंने पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे।
तो ये देखिएगा दोस्तों, साग हमारी अच्छे से धुल चुकी थी और अब ये जाएगा कढ़ाई में। तो ये देखिए, जब तक लहसुन हमारा पक गया है, ये देखिएगा, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद साग को हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ जो है, इसकी पत्ती अगर बहुत नई वाली है तो आप फिर इसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आप पत्ती थोड़ी सी कड़ी वाली आपने रखे हैं तो आप इसमें कम से कम हाफ से भी हाफ कप, छोटी वाली जो कप आती है ना, हाफ कप आप इसमें पानी ऐड करके इसे पका लीजिएगा। अच्छे से पक जाएगी तभी आपको दाल के साथ ये घुलेगी। और ये हमारी देखिए कुछ इस तरीके से भूनकर तैयार हुई है और अब हम डायरेक्ट इसको दाल में गिरा लेंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पे करीबन देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ। जो मकई मैंने सुबह लिए थे अब हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे चूल्हे जो मैंने मिट्टी के बहुत पहले लंबे समय पहले बनाए थे, मतलब करीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो चूल्हे जो है ना बारिश में ख़राब हो चुकी है, वो मिट्टी वाली थी। और अभी जो आई है एक टीने वाली आई है, बाज़ार से ख़रीद के आई है, लेकिन मैंने उसमें मिट्टी नहीं लगाया था, तो मिट्टी नहीं लगने के वजह से उसमें हम नहीं लिए, तो ताई ले लिए हैं। ताई में ही इस तरीके से ये उपले के देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, बस इसको हम यहाँ पे इस तरीके लगा लेंगे और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ये देखिएगा पूरा जब आग बन जाएगा, अच्छे से इसमें आग वाली आ जाएगी तपन, तब फिर हम यहाँ पर मकई को भी पकाएँगे। तो मकई हमारी पकने जा रही थी तो अच्छे से आग आ चुकी थी। ये देखिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से आग आ गया है। ये जो लकड़ी वाले से अच्छा होता है, जो ये हमारे उपले वाले होते हैं ना, इसकी आग बहुत अच्छी आती है। जैसे दाल बाटी है या लिट्टी चोखा वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें काफ़ी अच्छी ताई में बन जाती है। तो ज़्यादातर इसी प्रकार से हम बनाते हैं, हमारे सब बिहार साइड तो इसी तरीके से भी बनता है भाई, बिहार और झारखंड में। तो अच्छे से आग आ गई थी और अब हम एक एक करके यहाँ पे मकई को दे देंगे, तो हमारी मकई भी पकती जाएगी और सब गर्मा गर्म खाते भी जाएंगे। दोस्तों आप सभी भी आ जाइए, बहुत ही टेस्टी बना रही हूँ, मकई पका रही हूँ, बिल्कुल आग वाली है। और गैस पे भी हम लोग कभी कभी पका लेते हैं, पर उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है जितना स्वाद ये लगता है।
साथ में नींबू मिर्च और नमक लगाकर खाइए आप सभी भी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ दो, अब नहीं खाओ बेटा, मत खाओ, दे दो, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे दो मम्मा को, दे दो, नहीं दोगे, दे दो, वो नहीं खाते बेटा। अच्छा लो, ये लो, ये लो, ये नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। उसमें बीज भी नहीं है, फिर भी खाना है भाई, छिलका खा रहा है। अच्छा खा लो, खा लो, खा लो बच्चा, नहीं लगे, खा लो मेरे बच्चे, खा लो, नहीं लगे।